नमस्कार दोस्तों, उषा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ दही और बेसन की सब्जी। बेसन ली हूँ, दही ली हूँ, यही पे मसाला ली हूँ, कांदा, लहसुन, टमाटर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, तड़के के लिए तेजपत्ता और जीरा ली हूँ, नमक ली हूँ, बेसन का घोल बनाने के लिए बेसन ले ली हूँ, इसमें मिर्ची पाउडर थोड़ा, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक थोड़ा, इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसका पानी डाल के मिक्स कर लेती हूँ। यहीं पे 4 चम्मच दही डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको। देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह इसको मिक्स बनाना है पतला। ये भी थोड़ा धनिया डाल देती हूँ हरा। बन के तैयार हो गया, इसको रख देती हूँ। गैस धरा लेती हूँ, रख देती हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। कांदा टमाटर का लहसुन का पेस्ट बनाएगी। कढ़ाई गर्म हो गए, तेल डाल देती हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जीरा का तड़का लगाएगी। जीरा मेरा तड़क गया, यहीं पे डाल देती हूँ बेसन और दही का घोल। गैस को सिलो कर लेती हूँ, सिलो करके इसको अच्छे से पका लेती हूँ। देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह बन गया है। गैस को बंद कर देती हूँ, थाली में इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा तेल लगा के, तेल लगाएगी जहाँ निकलने में आसान रहे। इसको इसी निकाल लेगी।
दोस्तों इसको निकाल ली हूँ। कुछ इस तरह चम्मच में तेल लगा के या तो हाथ से तो नहीं कर पाएगी, गरम है, तो इस तरह फैला के इसको ठंडा होने तक ले रख देगी। कढ़ाई रख देती हूँ गर्म होने के लिए। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, तेल डाल देती हूँ। कड़ी पत्ता का तड़का लगाएगी, कांदा लहसुन का। मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, दोस्तों यहाँ पे कांदा टमाटर का पेस्ट बनाया है। देख सकते हैं दोस्तों मसाला मेरा पक गया है। इसमें 2 चम्मच दही डालेगी, 2 से 3 चम्मच डाल सकते हो। इसको अच्छे से ये मिक्स करेगी अभी। देख सकते हैं दोस्तों मसाला मेरा पक गया है। जिस तरह मसाला पक गया तो इसमें मैं 2 चम्मच बेसन घोल के रखी थी ये डालेगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेगी। बेसन दोस्तों इसलिए डाली जो इसका रस्सा है गाढ़ा बने। थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। गैस को स्लो करके 5 मिनट पकाएगी अब। फिर दोस्तों धनिया डाल देती हूँ कटा हुआ। इसको ढक के रख देती हूँ 5 मिनट पकने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों 10 मिनट हो गया, ये ठंडा हो गया है। कुछ इस तरह बना है। इस पे ही प्लेट पे रख के मैं पलटी कर लेती हूँ काटने के लिए, थाली में क्योंकि काट नहीं पाएगी। इसको थाली में से पलट ले ली दोस्तों, इसको चक्कू के सहारे से काट लेती हूँ कुछ इस तरह। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह बना है। इसे सारा काट लेती हूँ, काट के निकाल लेती हूँ। दोस्तों 5 मिनट मेरा हो गया।
देख सकते हो कुछ इस तरह बना है ग्रेवी इसका, जो रस्सा है। दोस्तों अभी इसमें डाल देती हूँ ये जो बना के दही और बेसन का बनाई थी। देख सकते हो दोस्तों दही और बेसन की भाजी बनके कुछ इस तरह तैयार हुई है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये भी निकाल लेती हूँ दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस तरह बना है मेरा भाजी। आप लोग भी बना के खा सकते हो। ये भी थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ।